गाइस वेलकम बैक एंड इफ यू आर न्यू हेयर देन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो या आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अमेजोन ब्यूटी हॉल। तो मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें परचेज की हैं जो मेरे लिए ज़रूरी थी, वो मैंने ली हैं। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आई एम 100% श्योर कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने परचेज की है ना, वो मैंने ली है पैक की आईलैशेस। तो ये मेरा नंबर है पैक 213, ये मैंने परचेज किया। अब आप सोच रहे होंगे लैशेस कहाँ गई। लैशेस जो है वो मेरी आईज पे ऑलरेडी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही नेचुरल लग रही हैं। आपको लग रहा ही नहीं होगा कि मैंने बड़ी बड़ी अलग से आई लैशेज़ लगाई हैं। थोड़ा सा आई लुक में डिफरेंस तो आता ही है लैशेज़ लगाने से, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नेचुरल लग रही थी एक तो बिल्कुल, और बहुत लाइट वेट है। आईज़ पे लगाने के बाद बहुत हैवीनेस सा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ हैवी हैवी अपनी आईज़ पे लगा लिया हो। मुझे ये काफ़ी पसंद आई है, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लेना चाहो तो ये वाली आई लैशेज़ डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। गाइस, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने लिया है यूरोप गर्ल का आईलैश ग्लू। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा, एंड इस तरह से है ये, जैसे हिलेरी रोडा वगैरह के लिक्विड वो आते हैं ना, लिक्विड लाइनर वगैरह आते हैं उनके, या आई शेडो आते हैं, तो इस तरह का इसमें आपको मिल जाता है ब्रश। जो एप्लीकेटर है इसका, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। मैं इतनी खुश हुई ना इसको लेके, बहुत ही सही है। आपकी आईलैशेस को बहुत जल्दी से स्टिक कर देता है, मतलब एक बार आप इसे लगाओगे ना और अपनी आईलैश को रखोगे, बिल्कुल इजीली स्टिक हो जाएंगे। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ से नीचे पकड़ी, यहाँ से नीचे पकड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखोगे ना, तो किसी भी वीडियो में मैंने आईलैश नहीं लगाया हुआ, किसी भी वीडियो में नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि मैं जब भी आईलैश लगाती थी ना, वो ठीक से चिपकती ही नहीं थी, या तो मेरी आँख में कुछ चला जाता था, या मेरा पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाता था। पूरा फेस क्लीन करके मुझे दोबारा से रेडी होना पड़ता था, या फिर मैं इरिटेट होकर उस दिन वीडियो बंद कर देती कि आज मैं शूट नहीं करूँगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, इसलिए मैंने लगाना ही बंद कर दिया था। गाइज, मैंने आज पहली बार ये वाला ग्लू ट्राई किया है, एंड आई लैशेज अप्लाई करी हैं। कुछ ही सेकेंड्स में मैंने अपनी आई लैशेज अप्लाई कर ली, एंड यू कैन सी कितनी बढ़िया तरीके से स्टिक हुई हुई है। एंड मुझे लगाए हुए अभी ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है इसको अप्लाई किए हुए, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टिक कर दिया इसने। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं डेफ़िनेटली आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई ऐसा, आपको भी आईलैशेस वगैरह लगाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक से स्टिक नहीं होती हैं, तो आप ये वाला आईलैश ग्लू ट्राई करो, बहुत ही सही काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने लिया है NY मेकअप प्राइमर, इतना बढ़िया काम कराना ये। मैंने अभी ये जो पूरा जो बेस है ना, वो सब कुछ इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं जो मैंने मंगाए हैं। तो ये मैंने NY मेकअप प्राइमर लिया है, एंड मिनिमाइज पोर्स, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, हाइड्रेटिंग इन नेचर। काफ़ी हाइड्रेटिंग है, काफ़ी अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उनको ब्लर कर देता है। एंड मेरे ना ये नोज़ पे, एंड ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये यहाँ पे मेरे टी जोन पे बेसिकली पोर्स होते हैं, एंड पूरे फेस पे नहीं है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अच्छे से सिर्फ यहीं पे अप्लाई कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, थोड़ी फ्लॉलेस फिनिश के लिए। तो मैंने इसे अप्लाई किया है, आप देख ही सकते हो मैंने किस तरह से इसको लगाया। तो जब भी आप इसे लगाओगे ना, या कोई भी प्राइमर आप लगाते हो, तो हमेशा नोज़ पर ना ऊपर की साइड इस तरह से करके लगाना, तो अच्छे से आपके पोर्स फिल हो जाएंगे। तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी, एंड सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माई हॉल स्टोर का लिंक है, एक लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, सारे ही प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, आप कोई भी परचेज कर सकते हो, एंड प्राइस मैं इन सबके स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे ले सकते हो, एंड जब भी आप कोई प्रोडक्ट ट्राई ऑन करना चाहो ना, तो हमेशा छोटे वाला ट्राई करो। लाइक मैंने ये भी छोटा वाला लिया है, अगर मुझे ये काफ़ी पसंद आएगा, मेरी स्किन को सूट करेगा, तो मैं इसका बड़ा वाला बॉटल भी ले सकती हूँ नेक्स्ट टाइम पे। बट पहले हमेशा ट्राई ऑन करने के लिए छोटा वाला जो पैकेट आता है, या छोटा वर्जन जो आता है ना, वो लो। उससे क्या होगा ना, आपके ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे अगर आपकी स्किन को सूट ना करे या आपको पसंद ना आए। तो इसीलिए मैंने भी ट्राई करने के लिए छोटा वाला मंगाया है, तो मैं रिकमेंड करूंगी, काफ़ी अच्छा है, आप इसे ले। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है ना, वो मैंने लिया है मेबलिन फिटमी का मैट पोरलेस फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128, बट आई एम नॉट सो मच हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। मुझे ये कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, बहुत ही बेकार भी नहीं लगा, बहुत ही इसकी शीट कवरेज है, मुझे फुल कवरेज भी नहीं लगा। वैसे मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद भी नहीं है, एंड एज सच मेरी स्किन पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज करनी पड़े, थोड़ा बहुत कुछ लगाने से काफ़ी सही लगता है। वैसे मैंने अभी यही वाला फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, एंड मैंने जो प्राइमर आपको दिखाया वही लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो फिनिश काफ़ी अच्छी आई है इसकी।
मेरे थोड़ी पिगमेंटेशन यहाँ पे है, अगर आपने मेरा बेयर फेस कभी देखा है तो यहाँ पे और नोज़ पे थोड़ी पिगमेंटेशन है, तो थोड़ी बहुत अगर पिगमेंटेशन है या थोड़ा बहुत सा मतलब हल्का हल्का सा आप कवर चाहते हो तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। बट अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा फुल कवरेज ये आपको दे देगा तो वैसा ही नहीं है ये। एंड अगर मैं बात करूँ कि कितनी देर तक टिका रहेगा और ऑक्सीडाइज होगा या नहीं, तो मैंने इसे अभी अप्लाई किया हुआ है, मुझे 1 आवर हो चुका है इसे लगाए हुए, एंड 1 आवर में मुझे अभी तक ये ना तो ऑक्सीडाइज लग रहा है अपनी स्किन पे एंड ना ही ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फटा फटा हो गया या बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। तो मेरी जो है कॉम्बिनेशन स्किन है तो मेरी स्किन पे फिर भी ठीक लग रहा है, बट मैं जिस तरह का फाउंडेशन मैं लेना चाह रही थी ना, ये मुझे उस लेवल पे तो नहीं लग रहा, लेकिन बट ओके प्रोडक्ट मुझे ये लगा। तो अगर आप लेना चाहो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आप कोई फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक नॉर्मल फाउंडेशन मिल जाए आपको, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेज़ किए हैं। ये 2 स्पंज, ये हैं क्लीन स्पंज, इन्हें आप मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जब आप फेशियल वगैरह करते हो तो जब आप अपना फेस क्लीन करना होता है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं गाइस, ये जो है रीयूजेबल होते हैं, आप यूज़ करो, इन्हें वॉश कर लो, सुखा लो एंड दोबारा से यूज़ कर लो, काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। पहले मैं कॉटन पैड्स यूज़ करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा लग जाते थे, मेरा एक एक पैकेट एक बार में ख़त्म हो जाता था, तो इसीलिए मैंने इनको लिया है, तो अब मैं इन्हें यूज़ करूँगी। गाइस, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट हैं, आपकी स्किन पे बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं करेंगे, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई आउट कर सकते हो अगर आप लेना चाहो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है वो मैंने लिया है लैक्मे 925 का नेचुरल जेल मेकअप रिमूवर विद प्योर एलोवेरा। तो मैंने ये परचेस किया है एक, क्योंकि क्या है कि मैं ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का, जो कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज़ में अपने दिखाया था किस तरह से, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं या पूरा जो फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है, इस सबको क्लीन करने के लिए ना, जब मैं गार्नियर का यूज़ कर रही थी ना मिसेलर वाटर, तो बहुत मेरी स्किन ड्राई होती थी एंड मैंने कोई भी अभी तक जेल बेस्ड मेकअप रिमूवर ट्राई नहीं किया था। ऑयल बेस वाला जो लिक्विड वाला होता है पॉन्ड्स का, वो मैं यूज़ कर रही थी, बट अभी मैंने इसको यूज़ किया है तो ये काफ़ी अच्छे से मेकअप को रिमूव कर देता है और बहुत ही आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, तो ये काफ़ी सही है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर थोड़ा बहुत भी टचअप करके आप रेडी होकर के अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए बैठते हो, तो उसके बाद जब फेस को क्लीन करना चाहो तो आप इस तरह के जेल मेकअप रिमूवर को यूज़ कर सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने लिया है, ये प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश एंड ये है पोर क्लिनजिंग फेस वॉश। तो बेसिकली ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। प्लम का ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश एंड इसके रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ, एंड मैंने अभी तक कोई भी प्लम का प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया। एंड गाइस, मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगा, जब आप इसे वॉश करोगे ना तो बहुत थोड़ा सा लेना होता है एंड बहुत ही ना इससे आपकी जो स्किन है ना वो हाइड्रेट सी लगती है एंड मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होती। वॉश करने के बाद जब आप पोंछ लोगे ना अपने फेस को, उसके बाद ना फेस काफ़ी मॉइस्चराइज सा लगता है, तो यूज़ करके काफ़ी अच्छा लगा। बट मैंने इसे एक हफ्ता हो गया मुझे यूज़ करते हुए, 1 वीक पहले सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे, तो मैं सबको देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं यूज़ करने में। तो ये वाला जो फेस वॉश मैंने ट्राई किया ना, तो बस मैंने अपनी स्किन पर और कुछ चेंज नहीं किया इस 1 वीक में, सिर्फ यही एक फेस वॉश मैंने डिफरेंट लगाया है अपने रेगुलर फेस वॉश से। तो मुझे ना आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा दाना आपको दिख रहा होगा, ये निकल आया। मुझे कभी दाने नहीं होते हैं, कभी पिंपल्स नहीं होते, एक्ने मतलब इतने ज़्यादा कोई मेरे स्किन पे एक्ने या पिंपल्स वगैरह नहीं होते जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक छोटा सा यहाँ आइस के नीचे हुआ है और एक छोटा सा यहाँ पे हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ये मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा, या मैं कुछ दिन ट्राई करूँ उसके बाद ये सूट करेगा। अगर आप में से कोई भी प्लम का ये फेस वॉश यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर के किस तरह से वर्क कर रहा है ये आपकी स्किन पे। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं इसे अभी ट्राई ही कर रही हूँ, एक हफ़्ता मैंने इसे लगाया है, तो अभी मैं और आगे से यूज़ करूँगी, फिर बताऊँगी आप लोगों को डिटेल में कि कितना अच्छे से ये मेरी स्किन पर काम किया। एज सच मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हाइड्रेटिंग है। मैं आपको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है ना, वो मैंने लिए हैं ये मेकअप ब्रश रिमूवर, क्योंकि मैं जब भी रेडी वगैरह होती हूँ तो ब्रशेज यूज़ करती हूँ, एंड क्लीन ब्रशेज होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उन्हीं की गंदे ब्रशेज यूज़ करने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा एक्ने वगैरह या फिर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड मैं सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी मैं अपने ब्रशेज को बहुत जल्दी जल्दी क्लीन नहीं कर रही थी, एंड क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे क्लीन करूँ, और मेरे मेकअप ब्रशेज़ कोई बहुत हाई एंड ब्रांड वाले मेकअप ब्रशेज नहीं है, कोई बहुत ही नॉर्मल से मेकअप ब्रशेज़ हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं मैंने वॉश ऐसे ही कर दूँ तो ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं दो तीन बार मैंने नॉर्मली वॉश करने का ट्राई किया, बट मुझे उतना अच्छा सही नहीं लगा वॉश करने में, तो मैंने फिर ये देखे थे अमेज़ॉन पे मेकअप ब्रश रिमूव करने के लिए, तो मैंने इनसे अपने मेकअप ब्रश क्लीन किए हैं। तो इस तरह से अपनी फिंगर में आप ले लो इन्हें, और इस तरह से ब्रश को मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ब्रश यहीं रहा है, ये जैसे ये ब्रश है अभी आप देख रहे हो ये कितना यूज़ किया हुआ है, अभी अभी मैं रेडी हुई हूँ। तो जैसे आपने ये इस तरह से फिंगर में ले लिया एंड ब्रश को लेके, एंड आप इस तरह से इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो आपके जो ब्रश हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है वो मैंने लिया है ब्लू हेवन सफायर का ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये है मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर फोटो फोकस, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब भी रेडी होते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि कुछ इस तरह का लगा लो जिससे कि थोड़ा स्वेटिंग वगैरह कम आए, तो इस तरह का आपको इसमें स्पंज मिलता है, एंड यहाँ पे इस तरह से इसमें छेक दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये बाहर आ जाता है प्रोडक्ट, एंड इसके ऊपर लग जाता है, आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हो बहुत इजीली, काफ़ी सही लगता है, नेचुरल सी फिनिश दे देता है एक तो स्किन पे, एंड काफ़ी सही लगता है, एंड मैंने इसको अप्लाई किया है आज। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, यही था आज का अमेज़ॉन ब्यूटी हॉल, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए सारे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो या गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के साथ, टिल देन बाय।